तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, फॉर सपोज आप किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्किंग हो और वहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है कुछ दिन बाद, और उस परफॉर्मेंस में कई बार कई लोगों का क्या होता है कि निगेटिव निकल आता है परफॉर्मेंस, एंड देन वो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है वहाँ पे कुछ भी रीजन दे के, ADP वगैरह या निगेटिव परफॉर्मेंस वगैरह करके आपको वहाँ पे मार्किंग दे देती है। तो उस केस में क्या आपको नेक्स्ट जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्त, MNCs कंपनी में कई बार ये परफॉर्मेंस रिव्यू होता है आपका एक साल बाद या 6 महीने बाद, या तभी आप मान लो कि कंपनी में एक प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड इन द सेंस कि आपका परफॉर्मेंस चेक होता है, उसके बाद वो कंपनी चाहे तो आपको कंटिन्यू कर सकती हैं, कंपनी नहीं चाहे तो आपको कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं। किसी का नेगेटिव परफॉर्मेंस आ जाता है तो क्या होता कि दोस्त वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब नेक्स्ट कंपनी में आप जाते हो तो वहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है, या वो कंपनी जस्टिफिकेशन पूछती है जिस कंपनी में आप जा रहे होते हो। तो उस केस में क्या करना है कि जैसे आपका नेगेटिव ADP आ गया या नेगेटिव परफॉर्मेंस आ गया, तो उस केस में आपको कंपनी को थोड़ा सा ये बताना है कि सपोज एक कोई पर्सन है, एक XYZ पर्सन है, एंड वो हायर हुआ है मान लो डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट के लिए, एंड फिर उसके बाद कंपनी में अंदर जाके वो कंपनी काम दे रही है कॉल सेंटर का, या कंपनी काम दे रही है नेटवर्किंग का, कंपनी काम दे रही है क्लाउड का, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे लो होगी। उस केस में कंपनी वहाँ से आपको परफॉर्मेंस में निकाल देती है। तो आपको इस तरीके से कुछ जस्टिफिकेशन देना है वहाँ पे बचने के लिए, एंड कई बार सच में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती है उस कंपनी को तो अभी वहाँ से निकाल देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी, बट ये हो सकता है कि आपको इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब ना मिले, बिग MNCs में, इन्फोसिस, TCS, इन्फोसिस वगैरह में। मैं नेक्स्ट जॉब की बात कर रहा हूँ, बाकी अगर आपको फिर एक कहीं दूसरी जॉब मिल गई तो तीसरी जॉब मिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपका कोई भी कमेंट या क्वेरी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो 1-to-1 तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।